2023 के वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज हुआ है। अफगानिस्तान ने सेटबैक कर दिया है इंग्लैंड को, पूरी तरह से एक तरह से हंगामा क्रिकेट वर्ल्ड में फहरा दिया है, हंगामा कर दिया है, पूरा क्रिकेट वर्ल्ड अचंभित हो चुका है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को धो दिया है, पहले बॉलिंग में फिर बैटिंग में। अफगानिस्तान ने बिल्कुल नज़दीक नहीं आने दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड की टीम बिना प्लानिंग के शायद आ गई थी इस मैच को खेलने के लिए, लेकिन वो भूल गए थे कि क्रिकेट में एवरीथिंग इज पॉसिबल और हर टीम विजेता है जब तक आखिरी बाल ना खेली जाए, आखिरी मैच ना हो जाए। और इंग्लैंड यहीं पे चूक गया और अफगानिस्तान ने अपने पत्ते नहीं खोले थे और अफगानिस्तान ने एकदम से हंगामा कर दिया है। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सेटबैक है और मैं तो ये कहूंगा कि ये टर्निंग पॉइंट है। और जो टीमें अभी मैच खेलने वाली हैं अफगानिस्तान से या और छोटी टीमों से, उनको बड़ा अलर्ट रहना होगा क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट। कल का मैच जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ तो वो एक ऐसा लगता था वन साइडेड मैच रहा है, आज का मैच भी पूरी तरह वन साइडेड था। अफगानिस्तान ने कहीं भी नजदीक नहीं आने दिया इंग्लैंड को, ना बैटिंग के मामले में ना ही बॉलिंग के मामले में। और ये एक बहुत बड़ी बात है, एशियाई टीमों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। कल के मैच में पाकिस्तान ने बड़ी स्तरीय बॉलिंग करी, बैटिंग भी वैसी करी, लेकिन इंडिया का जवाब बड़ा माकूल रहा है। बहुत ऊंचे स्तर का जवाब दिया गया भारतीय टीम द्वारा और एक तरह से मुंह बंद कर दिया गया पाकिस्तान के टीम का और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का, जो के आज भी हमास का समर्थन कर रहे थे, उन उग्रवादी संगठनों का समर्थन कर रहे थे जिनके जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके जो राक्षसी स्वभाव ने। और लेकिन भारत की टीम ने और कुछ ना बोल करके बिल्कुल खेल खेल में ही उनको सब सिखा दिया। लेकिन आज अफगानिस्तान ने तो पूरी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उसमें पूरा हंगामा खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि किस तरफ ये टर्न जाती है, क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच है और ये कांटे की टक्कर होने वाली है। अब यहां ऑस्ट्रेलिया भी घायल शेर की तरह है, कंगारू बिल्कुल घायल बैठे हैं, और दूसरी तरफ ये श्रीलंका ये भी बिल्कुल घायल शेर है। अब देखना होगा कि बड़ा वाला शेर कौन सा है। लेकिन हाँ, ये जो क्रिकेट हो रही है, ये क्रिकेट की जीत हो रही है और क्रिकेट फल फूल रही है। यही होना चाहिए था वर्ल्ड कप का मकसद, भी खेल भावना से संबंधित हो। और कई गलत लोग भी हैं, अब पाकिस्तान की टीम है जैसे, वो गलत भाव से ही खेल रहे हैं शायद। लेकिन आज जब अफगानिस्तान जीता है तो अफगानिस्तान को पूरा समर्थन मिला है भारत में, अफगानिस्तान की टीम को पूरा समर्थन मिला है भारत की इस धरती पर। और इंग्लैंड अगर जीतता तो उनको भी पूरा समर्थन मिलता। कारण क्या था कि यहां पर क्रिकेट सबसे बड़ा धर्म है और आज क्रिकेट की जीत हुई है।